बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर आने के बाद से ही आमिर खान ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। आमिर खान को लगातार कॉपीकैट कहकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। आखिर क्या है इसकी वजह, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पाठक और आप देख रहे हैं फ्राइडे हाउसफुल। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर क्यों आमिर खान को कॉपीकैट कहा जा रहा है। आज हम आपको आमिर की उन 10 सुपरहिट फिल्मों से रूबरू कराएंगे जो असलियत में हॉलीवुड फिल्मों की रीमेक थी। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म दिल है के मानता नहीं की। यह आमिर खान के करियर के शुरुआती दिनों की हिट फिल्मों में से एक है, लेकिन यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म इट हैपेंड वन नाइट का हिंदी रीमेक थी। यह फिल्म 1934 में रिलीज की गई थी और इस फिल्म में आमिर खान और पूजा भट्ट मुख्य भूमिका में थे। दूसरे नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है जो जीता वही सिकंदर। यह भी आमिर खान के करियर की एक बड़ी हिट फिल्म थी और सही मायनों में इस फिल्म ने ही आमिर खान को स्टारडम दिलाया था। यह फिल्म 1979 में आई हॉलीवुड की बड़ी ब्लॉकबस्टर ब्रेकिंग अवे का हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में आमिर के साथ पूजा बेदी थी और आमिर के साथ साथ पूजा बेदी के करियर को भी इस फिल्म ने आसमान में पहुंचा दिया था। तीसरे नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है बाजी। बाजी में आमिर खान ने अपना एक्शन अवतार लोगों को दिखाया था। हालांकि ये भी हॉलीवुड की फिल्म डाई हार्ड का हिंदी रीमेक थी। आमिर खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म हम है राही प्यार के, जी हाँ, ये भी हॉलीवुड की एक फिल्म हाउस बोट की हिंदी रीमेक थी। हाउस बोट की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जो कि 1958 में रिलीज की गई थी और इस फिल्म का हिंदी रीमेक महेश भट्ट ने निर्देशित किया था। इसमें आमिर खान के साथ जूही चावला मुख्य भूमिका में नजर आई थी। आमिर खान की रीमेक फिल्मों में पांचवें नंबर पर जिस फिल्म का नाम है उसका नाम है आतंक ही आतंक। ये फिल्म हॉलीवुड की 1972 में रिलीज की गई ब्लॉकबस्टर फिल्म गॉडफादर की हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म के डायरेक्टर दिलीप शंकर थे। हालांकि इस फिल्म में आमिर खान के साथ रजनीकांत भी नजर आए थे। छठवें नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है अकेले हम अकेले तुम। डायरेक्टर मंसूर खान की फिल्म अकेले हम अकेले तुम में आमिर खान के अपोजिट मनीषा कोइराला नजर आई थी। आमिर खान की ये फिल्म एकेडमी अवार्ड विनर फिल्म क्रेमर वर्सेस क्रेमर का अनऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। बाद में इस फिल्म को 1979 में ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया था। आमिर खान की रीमेक फिल्मों में अगली फिल्म जो है उसका नाम है सुपर डुपर हिट फिल्म गुलाम। 1998 में आई गुलाम का गाना ए क्या बोलती तू सुपर डुपर हिट रहा था और इस फिल्म में आमिर खान के साथ रानी मुखर्जी और शरद सक्सेना भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म को मुकेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म भी हॉलीवुड फिल्म द वाटर फ्रंट का अनऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। आमिर खान की फिल्म मन तो आपको याद ही होगी, इसके गाने सुपर डुपर हिट हुए थे और इस फिल्म में आमिर खान के साथ मनीषा कोइराला और अनिल कपूर भी नजर आए थे। फिल्म मन भी हॉलीवुड की 1957 में बनी अफेयर टू रिमेम्बर का अनऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। साल 2006 में आई आमिर खान और काजोल की सुपर डुपर हिट फिल्म फना भी हॉलीवुड की फिल्म का हिंदी रीमेक थी। जसराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को 1981 में आई हॉलीवुड फिल्म आई ऑफ द निडल का हिंदी रीमेक माना जाता है। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही थी और आमिर और काजोल की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। और आखिर में बात करते हैं आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक गजनी की। जी हाँ, गजनी, जिसके लिए आमिर खान ने बेहद मेहनत की थी और इस फिल्म में आमिर के साथ आसिन, जिया खान और प्रदीप रावत भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। ये फिल्म भी साल 2000 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म मोमेंटो का अनऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। हॉलीवुड फिल्म मोमेंटो का हिंदी के पहले तमिल में भी गजनी नाम से ही एक रीमेक बन चुका था, लेकिन हिंदी में जब आमिर खान ने गजनी बनाई तो ये फिल्म बेहद सफल रही और आज भी लोग गजनी के उस कैरेक्टर को याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आमिर खान के करियर की 10 बड़ी फिल्में जो कि हॉलीवुड फिल्मों का
हिंदी रीमेक थी। यही कारण है कि लाल सिंह चड्ढा के रीमेक के साथ ही एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लोग आमिर खान को कॉपीकैट कहकर लगातार ट्रोल कर रहे हैं। आखिर लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस पर क्या अंजाम होता है, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अगर इसी तरीके से बॉलीवुड की नई नई अपडेट्स और रोचक जानकारियां आपको हासिल करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में।